हेलो फ्रेंड, आप लोग के सामने ये देखिए फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन कुकर का पीसीबी है। ये डेड कंडीशन में मेरे पास आया है। तो सबसे पहले हम इसको फिजिकली चेक करेंगे कि कहीं कैपेसिटर फूगा तो नहीं है, डायोड तो शॉर्ट नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ जला उला कुछ तो नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही चेक करूँगा। तो देखिए ये पीसीबी है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो इसको हम कहीं देखेंगे, कहीं जला तो नहीं है आईसी, कहीं कुछ तो डैमेज तो नहीं है। सबसे पहले हम इसको फिजिकली चेक करेंगे। ये देख सकते हैं इस पर काम भी हुआ है, इसको काम हो चुका है। कहीं ये जाके आया है, वहाँ से नहीं बना है तब मेरे पास आया है। तो अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक लग रहा है, बस यहाँ पे ही थोड़ा डैमेज लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा डैमेज लग रहा है, लेकिन वो ठीक है, काम हो चुका है इस पर। क्योंकि मैंने इसको खोला देखा, यहाँ पे देखिए सोल्डर मारा हुआ है, यहाँ पे जो कि स्क्रू से टाइट किया जाता है, तो इस पर काम हो चुका है। यहाँ पे आईसी भी वाइपर वायर लग चुकी है। आईसी यहाँ पे CSK D-012 नंबर का रहता है आईसी। यहाँ पे वाइपर वायर लगाए हैं, तो कोई बात नहीं, वाइपर वायर भी इस पर चलता है। तो हम चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं सबसे पहले इसको सीरीज बोर्ड में लगा के चेक करूँगा। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसको मैंने लगा दिया। देखिए इसमें बिना पैनल का वर्जन नहीं बढ़ता है। पैनल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक इसका वर्जन नहीं बढ़ेगा, जो वर्जन होता है बीप होता है। मैं इसको लगाता हूँ सीरीज बोर्ड में। इंडक्शन कुकर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपके पास जब भी आए, आप उसको सीरीज बोर्ड में ही चेक करें, उससे आपको सेफ्टी रहेगी। ताकि शॉर्ट सर्किट ये सबसे अगर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ। ये मेरा सीरीज बोर्ड है, इसका मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया है कैसे बनाया गया है। जब इसको हम ये फ्यूज लगा देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और फ्यूज निकाल देंगे तो ये सीरीज का काम करेगा। तो इस समय मेरा सीरीज है, मैं इसको देखिए लाइट दे दिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा। तो मीटर में एसी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एसी बोर्ड के लिए चेक करूँगा। तो देखिए 192 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। फिर यहाँ से एक फ्यूज लेके यहाँ पे गया है, तो फ्यूज मेरा ओके है। देखें अब एसी, अब यहाँ पे मैं डीसी करूँगा इसको। मेरा एसी बोल्ट ओके, अब डीसी बोल्ट चेक करूँगा। अब रही बात मेरा, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दो डायोड लग के, देखिए ये न्यूट्रल और फेस दोनों, एक न्यूट्रल में डायोड लगाया, एक फेस पर डायोड लगाया, ठीक है। एक डायोड यहाँ पर आया और दोनों डायोड आके शॉर्ट हो गया। दोनों शॉर्ट, दोनों न्यूट्रल का डायोड और फेस का डायोड यहाँ पे आया, देखो दोनों शॉर्ट कर दिया। ये हाफ वे, इसको हाफ वे बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मेरा एक डायोड लग के यहाँ पे है। अब रही बात प्लस वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज तो मेरा आ गया, लेकिन निगेटिव हम कहाँ से लेंगे इसमें इंडक्शन में। ये देखिए सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, इस इन्होंने पॉजिटिव वोल्टेज तो हमको दे दिया, लेकिन निगेटिव हम कहाँ से लेंगे। यहाँ पर देखें, देखिए मैं निगेटिव कहाँ से लूँ, मैं निगेटिव कहाँ पर जाकर चेक करूँ, कुछ भी नहीं मुझे दिखाएगा। देखें कुछ भी नहीं बताएगा, मैं निगेटिव कहाँ से लूँ, निगेटिव तो दिया नहीं है। ये अगर फुल वे रेक्टिफायर होता तो वहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन रहता है कि हाँ चलो प्लस माइनस लगा के चेक करो, लेकिन इसमें हाफ वे है। हाफ वे में मैं निगेटिव कहाँ से लूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए फुल वे रेक्टिफायर यहाँ पर, तो हम यहाँ से निगेटिव ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ का निगेटिव, यहाँ इसका इंडक्शन का यहाँ से का निगेटिव यहाँ पर यूज हो सकता है, यूज होता है, ठीक है। तो देखिए ये निगेटिव और ये निगेटिव सेम है। देखिए यहाँ से मैं अगर चेक करूँ, देखो वहाँ पे मैंने निगेटिव ले लिया, मीटर पे आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने निगेटिव लिया, फिर मैंने यहाँ पे चेक किया, देखिए 171 वोल्टेज आ रहा है। और फिर मैं यहाँ से निगेटिव ले रहा हूँ, अगर पास में ही देखें, देखिए 174 उतना ही वोल्टेज आया, ठीक है। फिर यहाँ से एक डायोड लग के फिर यहाँ पर आया, देखिए वोल्टेज हुआ बढ़ा 265 हुआ। अब यहाँ से एक रजिस्टर लगाया है, ठीक है, एक रजिस्टर लगाया है 2.2 ओम्स का रजिस्टर है। देखिए यहाँ पे आया रजिस्टर मेरा ओके है। अगर रजिस्टर ख़राब होता है तो मेरा यहाँ पे वोल्टेज नहीं होता। अब फिर ये हमारे रेक्टिफायर, अरे सॉरी मेन कैपेसिटर फिल्टर पे गया। देखिए तो हमारे मेन फिल्टर पे वोल्टेज आ रहा है 266 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब यही मेरा वोल्टेज आई सी के 5, 6, 7, 8 पिन पर जाएगा, देखें ये वोल्टेज। तो मेरा यहाँ तक तो ठीक है, मेरा प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके है पावर सप्लाई का। अब प्रॉब्लम देखेंगे सेकेंडरी साइड में क्या प्रॉब्लम है। तो सेकेंडरी साइड के लिए हमको
इधर का ही लेना पड़ेगा, मतलब माइनस हमको यही यूज करना पड़ेगा, बाहरी में माइनस यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब अगर अगर ये ऐसी काम कर रही है, अगर ऐसी मतलब स्विचिंग करेगी अगर, तो यहाँ पे हमको वोल्टेज कुछ नहीं दिखाएगी, मतलब कभी 12 कभी 18 कभी ऐसे होगा, स्टेबल नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 11 12, लेकिन ये स्टेबल वोल्टेज, यहाँ पे मतलब स्विचिंग होगा तो फ्लक्चुएशन होगा, सीधी से बात सिचुएशन होगा तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम इस सीआरओ चेक करेंगे तब पता चलेगा, डीएसओ से अगर डीएसओ चेक करेंगे तभी पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, वो 12 वोल्ट स्टेबल एकदम दिखे, और हमको यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पे भी वही सेम रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी देखिए एकदम सेम वोल्टेज है हमको। फिर यहाँ पे एक डायोड लगाया है, देखें यहाँ पे 4007 का एक डायोड लगाया है, उस डायोड पे यहाँ पे 18 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं आ रही, यहाँ पे 12 ही वोल्ट आ रही, वही सेम वोल्टेज यहाँ पे, यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेबल वोल्टेज दिखा रहा है, 11 12 11 12 करके रहा है, लेकिन यहाँ पे वही, यहाँ पे हमको 18 वोल्ट दिखाना चाहिए, यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं दिखा के 12 वोल्ट दिखा रहा है। और हमको यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे 18 वोल्ट हमको दिखाइए, देखिए ये चॉपर है, चॉपर के इस पिन पे हमको 18 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे हमको स्विचिंग करना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये 18 वोल्ट यहाँ पे स्विचिंग करेगा तब जाके यहाँ पे 9 वोल्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे वही सेम वोल्ट हमको दिखा रहा है, देखें सेम वोल्टेज आ रहा है, तो लेकिन सेम वोल्टेज हमको नहीं दिखाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखें यहाँ पे हमको 9 वोल्टेज आना चाहिए, 9 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसे पास, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वोल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे दिखाएगा। ये हमारा देखिए 7805 नंबर का आईसी है, इसका पिन नंबर 1 आउटपुट होता है, जो छोटा वाला होता है ना, उसका पिन नंबर 1 आउटपुट होता है, और पिन नंबर 3 इसका इनपुट है। देखिए इनपुट पर कोई वोल्टेज नहीं आया, तो जाहिर सी बात है आउटपुट कोई वोल्ट आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए, नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम इतने ही साइज में, इतने ही सेक्शन में है, देखिए इधर ही कहीं मेरा प्रॉब्लम, मेरा यहाँ तक तो बिल्कुल ओके है, आईसी को भी हम ख़राब नहीं बोल सकते, आईसी मेरा ओके है, आईसी मेरा ओके, आईसी को ख़राब नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि आईसी किसी ने चेंज करके जहाँ से आया उसने बोला कि बहुत परेशान हो गया बंदा, तब यहाँ पे आया मेरे पास, तो आईसी चेंज कर करके वहाँ पे परेशान हो गया, आईसी चेंज करके देखिए ट्रैक ख़राब कर दिया, देख लीजिए मैं थोड़ा इसको निकाल रहा हूँ बोर्ड, देखिए आईसी चेंज करते करते उसने ट्रैक ख़राब कर दिया, जिसका मतलब आईसी बहुत बार चेंज हुआ होगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम उसका सॉल्व नहीं होगा उसका। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फिलिप्स के इंडक्शन कुकर में ज़्यादा वो 18 वोल्ट का जेनर डायोड जो होता है ना, वो कोई ध्यान नहीं देता है। मैं उस जेनर डायोड को चेक करूँगा, पहले मीटर को कंटिन्यूटी पे रखता हूँ। देखिए जब मैं सप्लाई देके चेक कराया था, तो इसको बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। अब मैंने सप्लाई निकाल लिया, बिना सप्लाई का इसको बोलते हैं बजट पर मैं चेक कर रहा हूँ, ओम्स के लिए चेक करूँगा, ये समझ लीजिए कूल टेस्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी जानकारी रखनी चाहिए। तो देखिए मैं बजट रेंज पे इसको यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए चेक कर रहा हूँ जनरेटर पे, तो मेरा जनरेटर तो ये दोनों तरफ दिखा रहा है, इसके लिए बाहर निकालेंगे तो ठीक है, क्योंकि बजट का आवाज़ नहीं रहा, इसका मतलब मेरा जनरेटर ओके है। ये डायोड चेक करता हूँ, यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग मिला, मुझे गड़बड़ लग रहा है इस डायोड पे, तो मैं डायोड को निकाल के चेक करूँगा, डायोड को 4007 नंबर इसका, ये वाला डायोड है। तो देखिए मैंने इसको निकाल दिया डायोड को बाहर, मतलब एक लेग उसका निकाल के अब मैं चेक करूँगा, आपको दिख रहा होगा उसका एक लेग मैंने निकाल दिया है, अब चेक करूँगा मैं। तो बाहर निकाल के तो मुझे ठीक लग रहा है, बाहर निकाल के डायोड टोके लग रहा है, और इसको ट्रैक को चेक करेंगे कि वहाँ पे कुछ दिखे, अभी शॉर्टिंग है कि गया, देखिए अभी भी शॉर्टिंग वहाँ पे दिखा रहा है, इस ट्रैक पर मैंने डायोड को बाहर निकाल दिया है, तब पर भी वहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रही है, इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम, ये कैपेसिटर है, इसको मैं चेक करता हूँ, कैपेसिटर भी ओके है, फिर क्या हो सकता है, मैं आईसी तो मेरा ओके रहेगा, क्योंकि आईसी शॉर्ट होती तो जाहिर सी बात है मेरा सीरीज बल्ब जलने लगता, तो आईसी तो मेरा ओके है, तो क्या हो सकता है।
आईसी तो मेरा ओके है, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है इसका। मैं इधर के सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके चेक करता हूँ कि मेरा क्या प्रॉब्लम आया इधर। तो ये देखिए, एक कैपेसिटर है 25 वोल्ट का और 220 माइक्रोफैराड का है। देखिए तो मेरा ये ओके है, कैपेसिटर ओके। जेनरेटर भी मैंने एक बार चेक किया, देखिए जेनरेटर ओके है। ये कैपेसिटर को फिर से मैं एक चेक करता हूँ एक बार, ये भी ओके है। इसको मैं चेक करता हूँ चॉपर को, चॉपर भी मेरा ओके है। चॉपर में देखता हूँ कोई शॉर्टिंग, चॉपर में तो कोई शॉर्टिंग नहीं। आगे देखता हूँ इसके, इस डायोड पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये मैं एक कैपेसिटर और ये देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग है। ये देखिए, आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे एक शॉर्टिंग दिखा रहा है, मैं इसको निकाल के फिर चेक करता हूँ। कैपेसिटर है, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये कैपेसिटर है 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड का। इसको मैं चेक करता हूँ कि ओके कि ख़राब है, क्योंकि ये मुझे शॉर्टिंग दिखा रहा था वहाँ पर। अब देखता हूँ मैं शॉर्टिंग यहाँ पे निकला कि नहीं पे। देखें इसी ट्रैक पे मुझे शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग भी चला गया और यहाँ पे भी शॉर्टिंग है कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी शॉर्टिंग चला गया और इसको मैं चेक करता हूँ। देखें इसको मैं, सॉरी एक मिनट, तो ये देखिए हमारा निकला क्या शॉर्टिंग। ये हमारा कैपेसिटर शॉर्टिंग निकला। कोई अगला बंदा इसके लिए परेशान था कि कभी कोई समझ ही नहीं पाएगा कि शॉर्ट है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कैपेसिटर कौन शॉर्ट होते हैं। कैपेसिटर तो फूका ही फूका हुआ या तो फटा हुआ दिख जाता है, लेकिन शॉर्टिंग तो कभी नहीं दिखता है। तो मैं इसके जगह पे दूसरा डाल के फिर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके जगह पे दूसरा लगाता हूँ, ये 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड का। मैं दूसरा, तो मेरे पास एक 50 वोल्ट है और 10 माइक्रोफैराड है, चलेगा ये। मैं ये लगा के देखता हूँ कि क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। डायोड को मैं भी लगा देता हूँ, प्लस माइनस देख के लगाइए। अभी मैंने दूसरा लगा दिया, मैं फिर से शॉर्टिंग के लिए चेक करूँगा कि मेरा देखिए शॉर्टिंग गया कि नहीं गया। बजर नोट पर देखिए, यहाँ से यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था, देखिए शॉर्टिंग भी गया, देखिए शॉर्टिंग भी देखा, शॉर्टिंग भी गया, इसके कैपेसिटर भी गया। क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, मैं देखता हूँ फिर इसको लगा के। थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ पीसीबी को। तो मैंने इसको क्लीन भी कर दिया है, मैं इसको फिर से सीरीज बोर्ड में ही लगाऊंगा, क्योंकि ध्यान दीजिए सीरीज बोर्ड में ही लगाए, डायरेक्ट मत लगाए, ठीक है, क्योंकि कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। कैपेसिटर एक बार चेक कर ले रहा हूँ, सही लगाए ना,
सही लगा है, तो मैं इसको लगाने जा रहा हूँ फिर से सीरीज बोर्ड में। ये देखिए प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम भी देखिए सॉल्व हो गया। ये देखिए प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व भी हो गया। देखिए यहाँ पे लाइट भी ग्लो होने लगी। देखिए सर प्रॉब्लम मेरा सॉल्व, मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व है। मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहा हूँ उसका। अब इसका वोल्टेज ध्यान दे दीजिए एक बार। अब देखिए एक बार मैं वोल्टेज आपको दिखा दूंगा ना, तो आपके पास कोई भी इंडक्शन आए फिलिप्स का आप बना लेंगे। यहाँ पे तो वोल्टेज आ ही रहा था, देखिए इसके पिन नंबर 5, 6, 7, 8 पे इसको ड्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्विच वोल्टेज तो आ ही रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 269 के आसपास। अब देखिए पिन नंबर 4 और 5, देखिए पिन नंबर 4 और 5, देखिए यहाँ पे स्विचिंग हो गई। देखिए ये देखिए 1, 2, 7, देखिए स्विचिंग हो रहा है, इसको स्विचिंग बोलते हैं, ये स्विचिंग हो रहा है हमारा। इसके देखिए पिन नंबर 1, 2 पे भी यही होगा। देखिए देखिए एक क्योर वोल्टेज नहीं दिखाएगा, ये स्विचिंग हो रहा है यहाँ पे। देखिए अभी एक डायोड पे यहाँ पे देखिए 18 वोल्ट आ जाएगा, देखिए 18 वोल्ट, देखिए एकदम परफेक्ट 18 वोल्ट। देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट आएगा, तो जब तक ये स्विचिंग नहीं करेगा तब तक वोल्टेज आगे पास कैसे होगा उस ट्रांसफार्मर को। जब तक यहाँ पे स्विचिंग होगा तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बीच में, तब जाके ये जो हमारी सप्लाई 18 वोल्ट यहाँ पे जितनी बाइंडिंग रहेगी उतना वो सप्लाई आगे करेगा। देखिए तो यहाँ पे मेरा देखिए 18 वोल्ट है, तो इसको स्विच कर रहा है यहाँ पे, देखिए एक लेग पे देखिए स्विच कर रहा है वो। देखिए स्विचिंग मतलब आपका हार्ट होता है ना, ऐसे 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 ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए तभी मेरी 18 वोल्ट यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस रहेगा, यहाँ पे नहीं दिखाएगा वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे भी वही मतलब यहाँ पे कम वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ पे एसी रहेगा शायद, देखता हूँ मैं। यहाँ पे भी देखिए एसी आ रहा है, लेकिन डीसी में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डायोड लगाया, डायोड से देखें 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। अभी 9 वोल्ट जाएगा हमारे 7805 के पिन नंबर 3 पे। देखिए पिन नंबर 3 पे गया और पिन नंबर 1 से आउटपुट होगा। यहाँ पे हमारे देखिए 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट, लेकिन 3 वोल्ट आ रहा है सप्लाई कम होने के कारण। तीन फिर यही हमारा वोल्ट जाएगा पिन नंबर माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 10 पे। देखिए चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फिर यही वोल्ट हमारे इसके लिए भी आएगा 5 वोल्ट। देखिए देखिए यहाँ पे आ रहा है 3 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन 5 वोल्ट आता है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे डेटा और क्लॉक आएगा और एक ग्राउंड रहेगा, तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूछिए जो आपको समझ में नहीं आया, ज़रूर पूछिए बेहिचक, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।